उधम सिंह नगर में पुराने चक्का जाम की दो घटनाओं में शिक्षा मंत्री, पूर्व सांसद और 3 विधायकों सहित 24 लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। सरकार के द्वारा इन मुकदमों को वापस लेने की सिफारिश की गई थी, लेकिन जिला कोर्ट ने सरकार के सिफारिश को खारिज करते हुए गिरफ्तारी के आदेश जारी कर दिए। तो वहीं दूसरी ओर काशीपुर में एक दलित की हत्या के मामले में चक्का जाम किया गया था। इस मामले को लेकर काशीपुर कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया। उधम सिंह नगर की तहसील जसपुर में हाईवे जाम करने के 8 साल पुराने मामले में सरकार के सिफारिशी प्रार्थना पत्र को जिला कोर्ट ने खारिज करते हुए सूबे के कैबिनेट मंत्री, पूर्व सांसद, 3 विधायक समेत 24 लोगों पर मुकदमा चलते रहने के आदेश जारी कर दिए। निचली अदालत ने पिछले साल इन सब के खिलाफ गैर जमानती वारंट भी जारी किए थे। देखिए, ये ना एक 2013 में जो है कि एक सचिन नामक लड़के की हत्या हुई थी। और उसको काशीपुर थाने में, जो कि उसके हत्यारों को खोजा नहीं जा रहा था, तब ये उस समय के प्रदेश प्रवक्ता बल्लाज पासी जी, अरविंद पांडे जी, अन्य कई लोग गए थे ये थाने में कहने के लिए कि भई इसके जो हत्या हुई है, ये गरीब व्यक्ति है, इसकी हत्या हुई, इसके हत्यारों को पता लगाइए, ये जाने के लिए गए थे। तो उस समय अब चूँकि अब सरकार भी विपक्ष की थी, ये विपक्ष में थे, ये कहने के लिए गए थे, तो वहाँ पे वो कोई कार्रवाई ना करने के कारण पुलिस के खींच रहा था मामला। तो वहाँ पे पुलिस ने अभी इनकी इसी बात को सिर्फ विपक्ष में होने के नाते उठाते हुए ये 8/1/13 को 147, 353, 341, 500 IPC में एक FIR धीरेन्द्र कुमार SSI द्वारा दर्ज करा दी। वो FIR चल रही थी, वो उसी FIR में, उस FIR में जो मंत्री जी हैं अरविंद पांडे जी, उन्होंने अपनी जमानत करा ली थी समय पे ही, कोर्ट का सम्मन नोटिस आए थे तो उस समय जमानत करा ली थी। अब वर्तमान में जो 11 लोगों के खिलाफ पुलिस ने चार्जशीट पेश करी थी, 11 लोगों के, इस समय उस समय के प्रदेश प्रवक्ता बल्लाज पासी जी भी थे, इसके अतिरिक्त अन्य बहुत से लोग हैं इसमें, जो कि वहीं आसपास के लोग हैं, जो ये उस घटना के विरोध में गए थे कि हत्यारों को पुलिस पकड़े, लेकिन पुलिस नहीं पकड़ रही थी। उनने 11 लोगों के खिलाफ पुलिस ने ये चार्जशीट फाइल करी थी। उसके बाद ये अब सरकार ने इसे, चूंकि ये जनहित में गए थे, विपक्ष की सरकार थी, अब सरकार ने कहा कि जनहित का कार्य था, इसे वापस लेने के लिए 321 में का भेजा था पत्र, लेकिन वो माननीय ACJM महोदय काशीपुर द्वारा दिनांक 12/10/2020 को खारिज कर दिया गया। गवर्नमेंट सरकारी जो 321 CRPC के प्रोविजन के तहत दिए गए थे आदेश की इसे जनहित में वापस कर दिया जाए, तो उसे वापस नहीं लिया, उस पत्र को खारिज कर दिया। उसमें सरकार ने बस इतना ही, माननीय न्यायालय ने कई रूलिंग कोर्ट करते हुए कहा है कि क्योंकि पैरवी की अभाव रहा सरकार की तरफ से, चाहे जैसे भी समझे, उस खारिज कर दिया, बस इतना मामला है। ये आदेश यही है कि बाकी देखिए, अरविंद पांडे जो वर्तमान में मंत्री हैं, उन्होंने तो अपनी जमानत करा ली, वो तो बेल आउट हैं, उनकी तरफ से प्रोसीडिंग कंटिन्यू है। अब बाकी लोगों को कोर्ट में पेश होके अपनी जमानत करानी है, या इसका रिवीजन, ये उन जो ACJM साहब का आदेश है, इसका रिवीजन माननीय जिला जज के यहाँ दायर किया जाएगा। सरकार इसका रिवीजन फाइल करेगी, रिवीजन के बाद जो परिणाम निकलेगा। माननीय न्यायालय से NBW कुछ हमें प्राप्त हुए हैं, जिसमें हमारे कई जनप्रतिनिधि हैं, और उसमें हम लोगों को 23 तारीख तक कोर्ट में प्रेजेंट करने के लिए आदेश किया गया है। इसमें टीमें हमने बना दी हैं और न्यायालय का जो आदेश है उसके अनुसार हम लोग कार्रवाई करेंगे। एक जनहित में जब हम लोग विपक्ष में थे, उस समय किसी सड़क जाम का एक मुकदमा लग गया था, जो हम लोग की जानकारी में नहीं था, लेकिन हमने जमानतें कराई, लेकिन राजकीय कार्य से थोड़ा बिजी होने के कारण हम किसी डेट पे नहीं आ पाए। जो कोर्ट के माध्यम से, माननीय न्यायपालिका के माध्यम से हमको समन गया, उसके आदेश के पालन के क्रम में आज मैं यहाँ कोर्ट में आया हूँ, और 2 बजे PC है तो कोर्ट के सम्मान में आया हूँ, कोर्ट जैसा निर्देश देगा उसका पालन किया जाएगा। बहुत से लोगों के वापस लिए, जो कांग्रेस के लोगों के खिलाफ भी मुकदमे थे, उनमें से भी कई लोगों के मुकदमे वापस लिए, और ये भी मुकदमा वापस लिया। तकनीकी कारण से कुछ ये मुकदमा वापस होने से रह गया है, तो न्यायालय का जो निर्णय होगा उस निर्णय के साथ हैं हम लोग।
और उसमें हम लोग न्यायालय का सहयोग करेंगे। नहीं, काशीपुर में कोई प्रकरण नहीं था, ये जसपुर का मामला है। कुछ मुकदमे वापस हो गए हैं, ये मुकदमा जो है वापस होने से रह गया, जिसमें अनेक विधायक हैं और मैं स्वयं हूँ, और इसमें कांग्रेस के विधायक भी हैं आदेश चौहान जी, और जो है बीजेपी के विधायक भी हैं चीमा जी हैं, ठकराल जी हैं, अरविंद पांडे जी हैं, तो कई लोगों के इसमें नाम उस समय में उन्होंने डाल दिया।